सो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोगों को जैसा बता ही चुका हूं कि मेरे द्वारा रीजनिंग का सेशन स्टार्ट कर ही दिया गया है, और उसमें से जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो इसका बेसिक पार्ट होता है, बेसिक पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर दिया गया है वीडियो में। ओके, बेसिक पार्ट अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उससे क्या होगा कि जो आपको प्रॉब्लम्स होती है बर्ड पहचानने में कि कौन से बर्ड का क्या नंबर है, तो नंबर आप आसानी से उस वीडियो के माध्यम से पहचान पाएंगे। तो फिलहाल हम बढ़ते हैं आज टाइप फर्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है? अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो बिल्कुल देख लीजिएगा, वो अपलोड किया गया है ऑलरेडी। तो अगर हम टाइप फर्स्ट की बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या दिखता है आपको? इस क्वेश्चन में सिंपल सा दिखता है कि एस का नंबर होता है 19 और टी का नंबर होता है 20। तो मतलब इधर से एक बढ़ा, अगर शुभम को हम टी बी सी आई बी एन लिखते हैं तो सत्यम को क्या लिखेंगे? इसका कहने का मतलब ये है। तो देखें, शुभम को लिखा गया है टी वी सी आई वी एन। ओके, तो मतलब इससे एक बढ़ा, और यू का नंबर होता है 21, तो भी का नंबर होता है 22, बी का नंबर होता है 2, तो इसका नंबर होता है 3। ये होता है आठवें नंबर पर, ये होता है नौवें नंबर पर, ये पहले पर, ये दूसरे पर, ये तेरहवें पर, ये चौदहवें पर। तो मतलब इसमें सीधा क्लियर हो रहा है कि इसमें हो क्या रहा है कि एक एक अंक बढ़ा दिया जा रहा है, एक एक बढ़ा दिया जा रहा है। तो मतलब यस का है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा टी, ए का बी हो जाएगा, टी का हो जाएगा 20 के बाद 21 पर यू आता है, उसके बाद बाई है, बाई के बाद जेड आएगा, और उसके बाद ए है तो ए के बाद बी आएगा, एंड एम है तो एम के बाद एन आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है? तो अगर आप अभी तक आपको ये समझ में नहीं आ रहा है माय फ्रेंड्स, तो इसके पिछले वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जो रीजनिंग से कोडिंग डिकोडिंग नाम से आपको मिल जाएगा, कोडिंग एंड डिकोडिंग बेसिक। तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा, उसके माध्यम से आप पूरी तरह से समझ पाएंगे कि ये हो क्या रहा है, ठीक है? और जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ये गोल को अगर हम एच पी बी एम लिखते हैं तो पोस्ट को क्या लिखेंगे? तो देखिए, गोल जी का होता है 7 नंबर और एच का होता है 8 नंबर, ओ होता है 15 नंबर पर, और पी होता है 16 नंबर पर, ए होता है, मतलब इसमें भी सिंपल सा, एल 12 पे होता है, एम 13 पे होता है, एक एक बढ़ाया जा रहा है, तो इसको भी हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या होता है, पी होता है 16 नंबर पे, तो 17 पे होता है क्यू, तो क्यू हो जाएगा, ओ होता है 15 पे, तो पी होता है 16 पे, एस होता है 19 पे, तो टी होता है 20 पे, तो टी की जगह टी होता है 20 पे, तो 21 पर यू होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्यू पी टी यू, सो दिस इज आंसर। तो मतलब इसमें प्लस वन किया जा रहा है, सभी में प्लस वन किया जा रहा है, ठीक है? और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रहा ये, अगर हम पेरेंट्स को लिखते हैं आर सी टी जी पी वी वाई, ठीक है, आर सी टी जी पी वी यू, तो हम आर सी एच या मतलब चिल्ड्रन को, आर नहीं है, सी एच आई चिल्ड्रन को क्या लिखेंगे? अब इसमें देखें, पी का नंबर कितना होता है माय फ्रेंड्स? पी होता है 16 नंबर पर, ठीक है, और आर होता है 18 नंबर पर, ए होता है फर्स्ट पे और ये होता है 3 पे, आर होता है 18 पे और ये होता है 20 पे। तो इससे क्या पता चल रहा है कि सभी में दो दो का इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब प्लस टू का इंक्रीमेंट सभी में हो रहा है, ठीक है? तो सभी में प्लस टू का इंक्रीमेंट हो रहा है, देख चेक भी कर लेंगे, 19 पे है, 21 पे है, 20 पे है, 22 पे है, ये 14 पे है, 16 पे है, सभी में हो रहा है दो दो का इंक्रीमेंट, ठीक है? तो जब दो दो का इंक्रीमेंट सभी में हो रहा है तो हमें भी इसमें दो दो का इंक्रीमेंट करेंगे, तो सी होता है 3 पे, तो 5 पे होता है ई, ठीक है, 3 2 5, और एच होता है 8 पे, तो जे पे होता है 10, आई होता है 9 नंबर पे, तो के होता है 11 नंबर पे, और एल 12 पे होता है, ठीक है, तो 12 के बाद 14 नंबर पर एन होगा, उसके बाद आता है डी, डी होता है 4 पे, तो 6 पे एफ होगा, आर 18 पे है तो 20 पे टी होगा, और बात करें अगर हम यहाँ पर ई 5 पे होता है तो 7 पे जी होगा, एन 14 पे होता है तो 16 पे पी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, जो कि यहाँ पे बता दिया गया है। तो माय फ्रेंड्स, ये तो था आज का पहला वीडियो जो कि रिलेटेड था फर्स्ट टाइप का, और जो सेकंड टाइप का वीडियो रहेगा, सेकंड टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, वो मेरे द्वारा ऑलरेडी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। तो अगर अभी तक आप इसके प्रीवियस वीडियोज नहीं देखे हैं तो देख लें, और फिलहाल हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज